रानी बेटा यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है, ये वहां रख दे प्लीज। हाँ जी, संभाल के। हाँ जाओ, उधर रखो जाओ। वो देखो, वो दोनों तारे नजर आ गए। कहानी की शुरुआत हो गई, अब बस रात के दाग नजर आना है। जो भी हुआ जादू सा महसूस हुआ। मोहम्मद अहमद जिया वल्द मोहम्मद फारूक जिया, आपका निकाह नूर बेगम बानो बिन सैयद अशरफ बेग के साथ 20,51,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त मुकर्रर किया गया है। क्या आपको ये? दो मिनट रुक जाइए मौलवी साहब, मेरा दोस्त आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर, अल्कोहल की बोतल प्लीज बाहर छोड़ दीजिए सर। क्या कहा? यू ब्लडी रिलैक्स डॉक्स, तुझे पता है ना हम कितने रूल्स फॉलो करते हैं। नो प्रॉब्लम गाइस, दारू अंदर नहीं जाएगी। दारू अंदर जाएगी। शबक है। आ गया। अहमद मेरी जान, वीर मेरी जान, मुबारक हो, मुबारक हो। मेरी कसम पूरी नहीं हुई ना? नहीं, कुछ अच्छा दो यार। गया वो समय जब तीनों एक साथ एक जगह हैं। शुरू हो गया प्यार और नफरत का युद्ध। ये दे। What the hell, dude? ये मेरे घर पर था। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे मौके पर इतनी घटिया हरकत। हमें तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम कल रात किसके साथ थे? तेरी बहन के साथ अली। तेरी बहन के साथ? हाँ, गाली दे रहा हूँ, लिटरली सच कह रहा हूँ। ये नूर का है। अरे तेरी इतनी हिम्मत,
मेरी बहन पे गलत इल्जाम लगाता है। ए, रिलैक्स डूड, चल। अपना ये 200 ग्राम का हाथ उठाने से पहले एक बार नूर का चेहरा तो देख ले। वैसे नूर वेन्यू पे लेट आई होगी ना, वो क्या है कि कल रात को बहुत बिजी थी, तो लेट तो होगी ना। जस्ट शट अप। क्यों? नूर, कल रात तो मेरे साथ सोई थी ना। कल रात मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी मैं तुम्हारी नाइटी सबके सामने फेंक दी तुम्हें गलत हो गया। शादी किसकी हो रही है, मेरी या तुम्हारी? नूर, 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 भाभी, नूर, ये लड़का कुछ भी बोल रहा है तो कुछ तो बोल। मुझे वैसे ही शादी नहीं करनी थी, तभी तभी मुझसे कल रात को ये गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर देगा। मुझे अम्मी अबू की बहुत फिक्र हो रही है पानी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भीम, ये तो क्या कह रहा है यार? मेरी जान, कितनी बार मैं तुझसे कहा कि ये लड़की तुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन तू इसके पीछे पागल है। इसे सिर्फ तुझसे एक ही चीज चाहिए, मेहर, जिंदगी भर की मेहर, मनी मनी मनी। नूर, बेबी, सॉरी, वो क्या कि जब तुम चेंज करने गई थी तो ये तुमने मेरे घर पे छोड़ दिया था। अब तुम कहोगे तुम्हारा है नहीं तो मैं सबके सामने अब तुम्हारी मेरी फोटो दिखाऊं, दिखाऊं क्या, दिखाऊं क्या? इतना गिरा हुआ है ये लड़का। सुन, मैंने माना कि इसमें तेरी गलती है, लेकिन लड़का लड़की के बीच में जो कुछ भी होता है वो उनके बीच की बात है। ऐसे तमाशा करके क्या प्रूफ करना चाहते हो? यू नो बहुत हो गया। लो, चांद का दाग भी दिख गया और भविष्यवाणी भी सच हो गई। बड़े ऊंचे ख्याल आते तुम्हारे, लड़कियों के साथ घूमते हो ताकि उनकी चीजें अपने पास रख सको, उनकी फोटो खींच सको, उनकी शादियां तोड़ सको, बस यही तुम्हारी मतदांग है। अब भी ऐसी लड़की साइड ले रहे हैं, लगता है इसकी कोई नाइटी तुम्हारे पास। शट अप, ओके, स्टॉप इट, बस करो। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मेरी तरफ से ये निकाह कैंसिल। मुझे नहीं करनी है शादी। बिल्कुल सही फैसला है, हमें नहीं करनी है शादी। असमा, चलो। भाईजान, अहमद, 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 मेरे पास है भाई। हीरो, मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं जो अपनी नाइट बाकी के साथ गुड नाइट करते। साला मैं भी करता हूँ उसमें क्या, लेकिन निकाह के पहले ऐसा कहीं कर तू चीटिंग के। जो भी है, मैं नूर और अहमद से अकेले में डिस्कस करना था। अकेले में? आई यू मैड, क्रेजी? अकेले में ये सब बातें नहीं, हम अकेले में दूसरी बातें डिस्कस करते हैं। नाइटी कांड। अपना साइज देखा है तुझे, तुझसे लड़ेगा? Really? अबे ओए, तू जानता भी है ये कौन है? जानता हूँ, बहुत बड़ा अमीरजादा है ये। मनीष, मैं भी जानता हूँ ये कौन है। ये वही है ना, माथुर कंपनी वाला। ये अफ तेरी फैमिली वो रेस्टोरेंट चलाती है ना, वो क्या नाम है उसका? सिल्वर। हाँ, सिल्वर मून। करेक्ट, सही। पब चलाता है ना, पॉइजन आईवी। करेक्ट, फुल मार्क्स। पप्पू पास हो गया, क्या बात है। हाँ, पब चलाता हूँ मैं, और दिन रात लोग मेरे पब में आके दारू पीते, इसलिए मैं तुझसे 10 गुना ज्यादा पैसे कमाता हूँ। गुड फॉर यू, लेकिन मुझे लोगों को जहर बाटी कमाने का कोई शौक नहीं है। हम कम कमाते हैं लेकिन हमारे घर में बरकत है। ए, डब्बे वाले, लिमिट मेरा है। लिमिट तूने क्रॉस किया पहले। अब ये मत बोल कितनी बार क्रॉस की, भूल गया। लेकिन इस बार तू बचेगा नहीं, इंसान नहीं शैतान है। हैवान, व
वक्त का पहिया घूम गया। अब इतिहास के पन्ने वापस बदले जाएंगे, कहानी वापस लिखी जाएगी, लेकिन पता नहीं इस बार इस कहानी का अंत क्या होगा।